जय हिंद दोस्तों, आईपीएल इतिहास का सबसे खतरनाक मुकाबला, एक ही मुकाबले में बने 523 रन, लगे 38 छक्के और 31 चौके, गेंद के हो गए टुकड़े टुकड़े, टूटे क्रिकेट जगत के सारे रिकॉर्ड। नीता अंबानी मैदान छोड़कर भागी, पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने जड़ दिया 277 रन का विशाल स्कोर। इसके जवाब में पांड्या की इस बड़ी गलती के कारण इतिहास रचते रचते रह गई मुंबई। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बताए हार के तीन सबसे प्रमुख कारण। ऐसे में क्या है खबर की जानकारी, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हैदराबाद ने आज खेले गए हाई स्कोरिंग मैच में मुंबई को 31 रनों से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल के इतिहास का हाईएस्ट टोटल बनने के बाद भी मुंबई ने हैदराबाद को कड़ी टक्कर दी। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 277 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में मुंबई ने आखिरी तक जीतने का जज्बा दिखाया, लेकिन मुंबई 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 246 रन ही बना सकी। दोस्तों, मुंबई का ये हाई स्कोर भी है। मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा ने 64 रनों की पारी खेली। इस मुकाबले में सर्वाधिक छक्के लगने का रिकॉर्ड भी टूट गया। इस मुकाबले में टोटल 38 छक्के लगे। दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की पारी की शुरुआत करने मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने आए। शुरू से ही ट्रेविस हेड आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे। 5वें ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा आए, वो भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड आउट हो गए। हेड ने 24 गेंदों में 9 चौके व 3 छक्कों की मदद से 62 रन बनाए। 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा आउट हुए, जहां उन्होंने 23 गेंदों में 3 चौके व 7 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए। मार्करम भी 28 गेंदों में 42 रन। वहीं अंत में आके हेनरिक क्लासन ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 4 चौके व 7 छक्कों की मदद से 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके जवाब में तिलक वर्मा को छोड़कर किसी भी मुंबई के बल्लेबाज ने अर्धशतक तक नहीं लगाया। नतीजा ये हुआ कि मुंबई 31 रनों से हार गई। और जब ये मुकाबला खत्म हुआ तो मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने मुंबई की हार के तीन कारण बताए हैं। पहला कारण बताया कि हार्दिक को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी थी, क्योंकि ये पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। यहाँ हम पहले बल्लेबाजी करते तो हम यह मुकाबला जीत सकते थे। रोहित ने दूसरा कारण बताया, आज हमारी गेंदबाजी बहुत ही खराब रही। नतीजा ये हुआ कि रन बोर्ड पर ज़्यादा लग गए, जिसे हम डिफेंड नहीं कर पाए। तीसरा और सबसे बड़ा कारण रोहित ने बताया, हार्दिक सही से कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं। गेंदबाजों को कब यूज करना है उन्हें पता ही नहीं है। कल अगर बुमराह 10 ओवर के अंदर गेंदबाजी करते तो नतीजा कुछ और होता। आपकी क्या राय है इन कारणों में, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।